हेलो फ्रेंड्स, फिटनेस की जर्नी एक फुलझड़ी जैसे होनी चाहिए जो बेशक धीरे चले मगर काफ़ी देर तक चलती रहे। मगर मोस्टली लोगों की फिटनेस जर्नी एक पटाखे जैसी होती है, शोर ज़्यादा मगर जल्दी ही फुस। शायद आपके साथ भी ये हुआ होगा। जिम की 6 महीने की फीस भर दी, 6,000 के गैजेट और कपड़े खरीद लिए मगर 6 दिन के अंदर ही मोटिवेशन ख़त्म। किसी का दर्द की वजह से और किसी और का आलस की वजह से। ऐसा क्यों होता है कभी सोचा है आपने? क्योंकि फिटनेस रेजिम के शुरुआत में हम कुछ जरूरी चीजें नहीं करते हैं और कुछ गलत चीजें करने लगते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 10 टू डू थिंग्स और 10 नॉट टू डू थिंग्स, जिससे आपके फिटनेस का रॉकेट अगर एक बार चल पड़े तो सक्सेस के चांद तक चला ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी द बिगिनर्स गाइड टू वर्कआउट फिटनेस टुडे, समथिंग दैट यू कैन अडॉप्ट फॉर योर लाइफ। Stage 1 is before workout. Workout regime शुरू होने से पहले ही preparation शुरू होती है। पहले देखते हैं वो 3 चीजें जो fitness regime के शुरुआत में करनी चाहिए। Number 1 पर है determination। ये आपके fitness journey का सबसे पहला और सबसे जरूरी tool है। दशरथ मांझी जैसे लोगों ने तो अकेले पहाड़ तक काट दिए थे। आपको तो बस हर रोज आलस को काटना है। Determination होगा तो बाकी सब हो जाएगा। Number 2 पर आता है वार्म अप। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। इससे आपकी रेस्टेड मसल्स वर्किंग मोड में आती है। देखिए, अचानक रिग्रेस एक्सरसाइज करने से मसल इंजरी हो सकती है, जो अक्सर करके लोगों के साथ होता है। अगर जॉगिंग करने गए हैं तो पहले वॉक कर ले। जिम में वेट्स उठाने के पहले स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। वेट्स भी धीरे धीरे बढ़ाने चाहिए। 3rd नंबर पर आता है प्री वर्कआउट स्नैक्स। वैसे तो एक्सरसाइज करने के 2-3 घंटे पहले आपने कुछ ना खाया हो ये जरूरी है, मगर सपोज आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं यानी कि 8-10 घंटे से कुछ नहीं खाया, तब एक बनाना या फिर एप्पल आपके लिए बेनिफिशियल है। ये मसल फंक्शन के लिए पोटेशियम देता है। आधा कप ब्लैक कॉफी भी अच्छा ऑप्शन होता है। ये हुई 3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं वो 3 चीजें बताता हूँ जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले नंबर पे आता है कॉस्टली गैजेट्स। 2,000 रुपए का स्टेप्स ट्रैकर या 20,000 के स्मार्ट वॉचेस। अगर आपके पास पैसे बहुत है तो खरीद लीजिए, पर इसके बिना फिटनेस अचीव नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। याद रखिए, टेक्नोलॉजी आपके लिए है। आप टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, तो फिटनेस का पहला स्टेप है कीप इट सिंपल। नंबर 2 चीज जो हमें नहीं करनी है वो है अनसेफ कंडीशंस। आपने वॉक करने का सोचा मगर रोड पर ही चलने लगे, जहां ट्रैफिक भी है और स्ट्रीट डॉग्स भी, या फिर जिम करने गए तो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कंजेस्टेड जिम चूज कर लिया जहां प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। इस तरह के अनसेफ कंडीशन से बचना होगा। पार्क में वॉक या फिर जॉग करें। रोड पर है तो जितना कम ट्रैफिक उतना अच्छा। वैसे ही जिम अच्छा होना चाहिए, जहां पर सब फैसिलिटीज बढ़िया हो। 3rd चीज जो नहीं करनी है वो है लाउड म्यूजिक। म्यूजिक हमें एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करता है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है, मगर हेडफोन्स के साथ लाउड म्यूजिक आपके हियरिंग एबिलिटीज के लिए डेंजरस है, खासकर आज के टाइम में जब हम वैसे भी दिन रात हेडफोन्स यूज कर ही रहे हैं। म्यूजिक सुनना ही है तो स्पीकर चला लें, ईयरफोन्स अवॉइड करें। अपने कानों को भी प्लीज थोड़ा आराम करने दीजिए। अब बात करते हैं Stage 2 यानी कि ड्यूरिंग वर्कआउट। पहला कवर करते हैं व्हाट टू डू। नंबर 1 पे आता है एक्सपर्ट एडवाइस। फिटनेस अचीव करना भी एक साइंस है, इसलिए एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है। क्या खाना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से इन सब में वेरिएशंस आते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है। एक्सपर्ट आपका जिम ट्रेनर भी हो सकता है अगर वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है, या फिर एक फिटनेस बुक भी हो सकती है, या फिर वेल रिसर्च फिटनेस चैनल भी। नंबर 2 पर आता है हाइड्रेट। हमारी बॉडी 60% से ज्यादा पानी है, इसलिए वेल हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के दौरान। ये तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें स्वेटिंग और कैलोरी बर्निंग से वाटर लॉस होता है, तो हमेशा पानी की बॉटल साथ में रखें। पूरा और बहुत सारा पानी एक साथ नहीं पीना चाहिए, बीच बीच में 2-3 सिप्स लिए जा सकते हैं ताकि हाइड्रेशन बना रहे और पेट भी भर ना जाए। 3rd नंबर पे आता है राइट ब्रीदिंग। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ब्रीथ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन राइट ब्रीदिंग एक अलग कला है। एक्सरसाइज कोई भी हो, सही ब्रीदिंग टेक्निक बहुत जरूरी है। इसका सिंपल रूल है एक्सहेल ऑन एक्सर्शन, यानी जब एफर्ट लग रहा हो तो सांस छोड़िए और वेट नीचे रखते हुए सांस अंदर और उठाते हुए सांस बाहर। पुशअप्स में नीचे जाते हुए इनहेल और ऊपर आते हुए एक्सहेल। नंबर 4 पर आता है रेपिटेशंस। एक एक्सरसाइज को एक बार में 100 बार करना उतना सही नहीं है जितना के 20 के 5 रेपिटेशंस हमारी मसल्स को फ्लेक्स और रिलैक्स दोनों का वक्त देते हैं। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंजरीज का खतरा कम हो जाता है।
अब देखते हैं वो चार चीजें जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है। सबसे पहले नंबर पे आता है ओवर ट्रेनिंग। देखिए, नो पेन नो गेन एक बहुत ही फेमस कोट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी वेयर आउट हो जाए। डिस्कम्फर्ट से घबराना नहीं है, मगर इंजरीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर बॉडी में कहीं भी पेन बहुत दिनों तक एग्जिस्ट कर रहा है, कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, तो जरा रुक जाए और मेडिकल एडवाइस ले। नंबर दो पर आता है वन रीजन फोकस। आपको पतला होना है, इसलिए बस क्रंचेस लगा रहे हैं। बाइसेप्स बनानी है, इसलिए सिर्फ डंबल्स कर रहे हैं। ये गलत टेक्निक है। हमारी बॉडी हमेशा कलेक्टिवली ही रिस्पॉन्ड करती है। उसे एक्सरसाइज भी कंप्लीट ही चाहिए। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना, इन तीनों को अटेन करने के लिए सब तरह की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। योगा, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग सबको अपने रूटीन में लाए। नंबर तीन पे आता है फास्ट मूवमेंट। फास्ट मूवमेंट करने से फास्ट बॉडी नहीं बनती, पर फास्ट इंजरीज जरूर हो सकती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सारा खेल रेपिटेशंस के साथ धीरे धीरे वेट्स बढ़ाने में है। योगा और स्ट्रेचिंग का पूरा कॉन्सेप्ट एक पोज को लंबे समय तक होल्ड करने में है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। नंबर चार पे आता है मोनोटोनी। सेम जिम, सेम टाइम, सेम लोग, सेम म्यूजिक मोनोटोनस लग सकता है। इंटरेस्ट लूज होने का खतरा हो सकता है, इसलिए बीच बीच में इंटरेस्टिंग चेंजेस ले आए। जिम के बीच में कभी बैडमिंटन या फिर क्रिकेट खेल लें। स्विमिंग भी एक बहुत अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज है। पार्क में रोज वॉक कर सकते हैं। किसी दिन अचानक पार्क बदल लें। कंसिस्टेंट रहना है, मगर मोनोटोनी से बचना है। स्टेज थ्री आते हैं आफ्टर वर्कआउट। व्हाट टू डू आफ्टर वर्कआउट। अब तीसरी और आखिरी स्टेज पे हैं हम। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नंबर एक पे आता है पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग। जैसे एक्सरसाइज के पहले वार्म अप जरूरी है, वैसे ही इंटेंस एक्सरसाइज के बाद एकदम रुकना ठीक नहीं है। उड़ता हुआ एरोप्लेन भी रुकने के पहले जमीन पर दौड़ता है। वैसे ही पम्प्ड अप मसल्स को रेस्ट मोड में लाने के लिए पहले स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। नंबर दो पर आता है स्लीप एंड रेस्ट। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। सोते वक्त ही मसल्स रिपेयर होती है और ग्रो भी करती है। प्रोफेशनल एथलीट्स अपने रेस्ट को वर्कआउट जितना ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। एक्सरसाइज के बाद 15 से 20 मिनट की पावर नैप भी बहुत बेनिफिशियल है। आपकी थकान उतर जाती है और आप एनर्जी के साथ दिन भर काम कर सकते हैं। नंबर तीन पर आता है बैलेंस डाइट। फिटनेस की बात डाइट बिना इनकम्प्लीट है। एक्सरसाइज का असली बेनिफिट बैलेंस डाइट से ही मिलता है, जिसमें सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, लेंटिल्स, मीट और अंडे जैसे न्यूट्रिशियस चीजें होनी चाहिए, और ट्रांस फैट्स, शुगर से भरा प्रोसेस और पैक जंक फूड नहीं। जाते जाते वो तीन चीजें भी जो आपको एक्सरसाइज के बाद बिल्कुल ही नहीं करनी है। नंबर एक, ओवरडोज ऑफ सप्लीमेंट्स। ये ठीक है कि मसल बिल्डिंग में प्रोटीन जरूरी है। 100% वे प्रोटीन आपके डाइट को सप्लीमेंट कर सकता है, पर याद रखिए, सप्लीमेंट मींस कुछ ऐड करना, ना कि उसी को डाइट बना लेना। सप्लीमेंट टैबलेट्स, पाउडर एक्सेट्रा नेचुरल खाने का ऑल्टरनेट कभी नहीं हो सकते, इसलिए नकली प्रोडक्ट से बचिए, सस्ते प्रोडक्ट से बचिए। सिर्फ एक्सपर्ट सलाह लेने के बाद ही प्रोटीन सप्लीमेंट्स लीजिए, और जितना बैलेंस्ड ले उतना ही अच्छा। नंबर दो पर आता है स्टेरॉइड्स। क्या आप 6 महीने में 6-पैक एब्स के लिए बहुत बेताब है? इतने कि इसके लिए आप अपनी किडनी और हार्ट को खराब करने के लिए रेडी हो गए? अगर नहीं तो स्टेरॉइड्स कभी भी मत लीजिए, अगर कोई एक्सपर्ट बोले तब भी नहीं। नंबर तीन पर आता है जर्नी, नॉट डेस्टिनेशन। फिटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों, वहाँ पहुँच गए और फिर छोड़ दिया। याद रखिए, आप तब तक फिट हैं जब तक आप फिटनेस पर काम कर रहे हैं। कुछ साल के अंदर कोई एथलीट भी ओबीस हो सकता है अगर वो एक्सरसाइज करना छोड़ दे, और कोई बुजुर्ग 90 साल की उम्र में भी मैराथन रनर बन सकता है अगर फिटनेस रेजीम शुरू कर दे। जाते जाते 10 to do things और 10 not to do things का रिकैप। दोस्तों, अब इस लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट लेकर घर पे प्रिंट आउट लेके रख दे। हाँ, जिम में भी लगा सकते हो, तो क्रेडिट देना मत भूलना। चलिए, फिटनेस की गाड़ी पर जल्दी चढ़ जाइए और कभी भी मत उतरिए। साथ ही में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।